पुराने पर्स का क्या करें, नया पर्स कब खरीदना चाहिए, नया पर्स किस दिन खरीदना शुभ होता है, क्या हम किसी को पर्स गिफ्ट में दे सकते हैं, किसी से उपहार में अगर हमें पर्स मिला है तो क्या हमें उसका यूज करना चाहिए, क्या वो अच्छा होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे मेरी कुछ वीडियोस के नीचे पूछे गए हैं। मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी कि पुराने जूते चप्पलों का क्या करना है, पुराने कपड़ों का क्या करना है, तो उन वीडियोस के नीचे मुझे कमेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीदी पुराने पर्स का क्या करें, पर्स फट गया है, उसका कलर खराब हो गया है, लॉक खराब हो गया है, घर में बहुत सारे पर्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अब हम उन पर्स का क्या कर सकते हैं, क्या किसी को देना सही रहेगा, क्या पर्स को फेंकना सही रहेगा, क्या हम उसे जला सकते हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स आप सभी के मन में भी होते होंगे पर्स को लेकर। तो आज के वीडियो में मैं आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इन सारे क्वेश्चन के अलावा भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से पर्स के लिए क्या चीजें बताई गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुराने पर्स का क्या करना चाहिए। अगर पर्स पुराना हो गया है पर अच्छी कंडीशन में है, कोई उसे यूज कर सकता है, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर्स को अच्छे से साफ करिए, उसमें कुछ पैसे रख दीजिए, 100 रुपए, 50 रुपए या 10 रुपए, जो भी आप चाहें, कुछ पैसे उसमें रख के आप उसे किसी को भी दे सकते हैं, किसी गरीब को दे दीजिए, आपके घर में कोई आपका हाउस हेल्पर है तो आप उसे भी दे सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। आप साफ सुथरी अच्छी कंडीशन में अंदर पैसे रख के अगर किसी को वो पर्स देंगे तो वो खुश होगा और उसका प्रभाव आपके जीवन में भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर पर्स फट गया है, टूट फूट गया है, यूज करने लायक नहीं है, कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता, तो फिर उस पर्स का क्या करें। कुछ लोग वो पर्स घर में रखे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फटी पुरानी कोई भी चीज, चाहे वो पर्स ही हो, घर में नहीं रखना चाहिए, उससे नेगेटिविटी आती है घर में, नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होते हैं, तो पुरानी फटी पुरानी चीजों को घर में ना रखें। अगर रखना चाहते हैं तो उसको रिपेयर करवा कर अच्छी कंडीशन में रखिए, नहीं तो आप उन पर्स को फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए, जैसा भी आपके घर में होता है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। अब बात आती है, नया पर्स कब खरीदना चाहिए। तो नया पर्स खरीदने के लिए कोई भी समय अच्छा बुरा नहीं है, आप नया पर्स कभी भी खरीद सकते हैं। हाँ, अगर आप प्योर लेदर का पर्स खरीदने वाले हैं तो आप शनिवार को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा आप कभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन कार्तिक महीने में अगर आप नया पर्स खरीदें तो ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। किस दिन पर्स खरीदना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, तो पर्स जो होता है वो माता लक्ष्मी से रिलेटेड होता है, हम उसमें पैसे रखते हैं, तो अगर शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आप पर्स खरीदेंगे नया, तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो फ्राइडे के दिन आप नया पर्स खरीद सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। वैसे आप हफ्ते में किसी भी दिन नया पर्स खरीद सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि क्या हम किसी को पर्स गिफ्ट में दें, इससे हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, पर्स उपहार में देना और पाना दोनों ही बहुत ज्यादा शुभ होता है। बस पर्स आप कभी भी किसी को भी दें तो उसको खाली कभी भी नहीं देना चाहिए, हमेशा उसमें कुछ पैसे रख के ही आपको सामने वाले को गिफ्ट करना चाहिए। तो ये आपके लिए, अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं पर्स तो भी अच्छा होता है, और अगर कोई आपको गिफ्ट में देता है पर्स तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है। सो आप गिफ्ट करिए, और किसी से आप पर्स गिफ्ट में मांग भी सकते हैं। अगर अपने हस्बैंड से या वाइफ से आपको पर्स चाहिए तो आप गिफ्ट में मांग के इस्तेमाल करिए, वो बहुत अच्छा होता है। अब बात करेंगे कि पर्स में पैसे कैसे रखने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पर्स में नोटों को कभी भी फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा सीधे रखना चाहिए, ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में बताया जाता है। इससे आपके पास धन की कमी नहीं होती है, सो पैसों को हमेशा सीधा रखना चाहिए, नोटों को। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कि जैसे एक 500 का नोट ले लीजिए, जो करेंसी का बड़ा नोट होता है वो आप एक लेके उसमें लाल धागा लपेट के अपने पर्स में रख लीजिए, और उसे कभी भी खर्च मत करिए। इससे भी
आपके घर में लक्ष्मी आती हैं और आपके पर्स में पैसों की कमी कभी नहीं होती है, तो ये आप आजमा के देख सकते हैं। इसके अलावा पर्स में हमेशा जो सिक्के होते हैं और नोट होते हैं उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि लेडीज का पर्स तो बड़ा होता है, वो आराम से सिक्के और नोट अलग अलग रख सकते हैं, मगर जेंट्स के पर्स का क्या? तो जेंट्स के पर्स में भी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे आप कॉइन्स रख सकते हैं थोड़ा सा अलग, मतलब जहाँ पे नोट रखें वहाँ पे आप कॉइन्स ना रखें। अब बहुत सारे पर्स हैं तो हर पर्स में आप क्या कर सकते हैं? एक तो होता है जो डेली यूज का पर्स होता है, जिसे लेके हम मार्केट जाते हैं, बाजार चले गए, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो एक पर्स वो रहता है हमेशा के लिए, डेली यूज वाला पर्स। और कुछ पर्स होते हैं जो पार्टी वेयर होते हैं या कहीं आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए कुछ बड़े पर्स होते हैं, तो उन पर्स को हमेशा साफ सुथरा करके आपको रखना चाहिए। उसमें मतलब बहुत सारे हम लोग कभी कभी होता है ना, बिल्स वगैरह हैं या कुछ सामान पड़ा है तो वो ऐसे ही उसको रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं से भी आ रहे हो तो पर्स को अपना साफ कर लो, और खाली पर्स कभी भी नहीं रखना चाहिए। 100 रुपए 50 रुपए ही उसमें रख के उसके बाद आप उसको रख दीजिए अच्छे से, जो पार्टी वेयर या कहीं आने जाने के पर्स है। डेली यूज के पर्स में आपको हमेशा अच्छे से पैसे रखने चाहिए और पर्स को खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा पैसों के साथ पर्स को रखिए और साफ सुथरा रखिए। जैसे कि आप उसमें बिल्स वगैरह मत छोड़िए, पुराने जो कागज हैं, बहुत लोगों के पर्स में देखती हूँ स्पेशली जेंट्स के, बहुत पुराने पुराने बिल्स हैं, कोई कागज है, कोई किसी ने कार्ड दे दिया है, तो वो सब पड़े रहते हैं उनके पर्स में, उनका कोई यूज नहीं होता है। तो आप ऐसी चीजों को समय समय पे अपने पर्स से खाली कर दिया करिए। इसके अलावा एक और चीज मैंने नोटिस की है, स्पेशली हमारे तरफ में ये बहुत होता है कि औरतें ना अपने पति के पर्स से पैसे निकालती हैं बिना पति को बताए। ये बहुत गलत चीज है, इससे आपके घर में गरीबी आती है, क्योंकि आप खुद लक्ष्मी हैं, आपको पति को पैसे देने चाहिए। कभी भी पति को बिना बताए उनके पर्स से पैसे नहीं निकालने हैं। अगर जिस घर में सुबह जब पति काम पे जाता है तो औरत उसे पैसे दे, वाइफ पैसे दे के भेजे, और शाम को जब पति आए तो पैसे वाइफ को दे, उस घर में हमेशा बरकत होती है। तो आगे से अगर आप ऐसा करती थी, पति के पर्स से पैसे निकालती थी या बिना बताए निकालती थी, तो ऐसा मत करिए, हमेशा पति से मांग लीजिए पैसे, वो आपको अपने हाथों से दें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पर्स में बहुत सारे लोग ना तस्वीरें रखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो कौन सी तस्वीरें रखना अच्छा होता है, कौन सी तस्वीरें रखना बुरा होता है? तो सबसे पहले अगर आप अपने पर्स में एक माता लक्ष्मी की फोटो रखेंगे कमल पे बैठी हुई अवस्था में, तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके अलावा कुछ लोग अपनी फैमिली फ़ोटो रखते हैं, माता पिता की फ़ोटो रखते हैं, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की फ़ोटो रखना पसंद करते हैं, या बच्चों की फ़ोटो रखते हैं, तो माता पिता की फोटो आप रख सकते हैं अपने पर्स में, ये अच्छा होता है। अगर आप अपने माता पिता से आपके संबंध मधुर हैं तो आप उनकी फोटो अपने पर्स में रख सकते हैं। ऐसा ही पति और पत्नी के विषय में भी होता है, अगर आप लोगों के बीच झगड़े नहीं होते हैं, प्यार है, अच्छे संबंध हैं, आपको वो फोटो देख के पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और अच्छा फील होगा, तब आप उस फोटो को पर्स में रखें, नहीं तो पर्स में पति पत्नी की फोटो ना रखें। अगर आप लोगों के बीच झगड़े होते हैं और फोटो को देख के आपको अगर बुरी यादें आने वाली हैं, ऐसी फोटो अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पर्स को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें बिल्स नहीं रखने चाहिए, पुराने कागज निकाल देने चाहिए, उसी तरह से कोशिश करिए कि आप पर्स में क्रेडिट कार्ड भी ना रखा करें। कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको यूज करना है तो आप ले जाएं, लेकिन हमेशा क्रेडिट कार्ड रख के नहीं घूमना चाहिए, ये भी नेगेटिविटी को लाता है, ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है। तो क्रेडिट कभी भी किसी का हमारे पास नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को भी हो सके तो अपने पर्स में ना रखें। अब एक क्वेश्चन और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी कौन से कलर का पर्स यूज करना चाहिए, तो कलर के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आप हमेशा नए नए कलर का पर्स यूज करिए और देखिए कि कौन सा पर्स आपके लिए लकी है, आपको फील होगा
कोई कलर अगर अच्छा तो वो कलर यूज करिए, नहीं तो पर्स सबसे अच्छा होता है लाल रंग का पर्स, रेड कलर का जो पर्स होता है ऐसा माना जाता है वास्तु शास्त्र में कि अगर आप लाल पर्स यूज करते हैं तो उसमें हमेशा ही पैसे रहेंगे। और हरे रंग का पर्स, ग्रीन पर्स अगर आप यूज करते हैं तो वो मनी को अट्रैक्ट करता है, मनी फ्लो बना रहता है, मतलब पैसे आएंगे, मतलब पैसे जाएंगे तो आएंगे भी, मतलब फ्लो बना रहेगा। तो आप देख लीजिए लाल और हरे रंग का आप पर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई लकी कलर है तो आप उसका उस कलर का भी पर्स यूज कर सकते हैं। अब पर्स का साइज, तो मेंस पर्स तो छोटी साइज में ही आते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप बड़े साइज का पर्स यूज करेंगी तो अच्छा होता है। इसके अलावा लास्ट में मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी, जो लोग बहुत चीज मानते हैं कि ये चीज मेरी लकी है, तो इसी तरह कुछ पर्स भी होते हैं जिन्हें हम सोच लेते हैं कि ये हमारा लकी पर्स है और अब वो फट गया है, फिर भी हम उसे चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो हमारा लक चला जाएगा और पैसे नहीं रहेंगे। तो उन लोगों के लिए भी एक उपाय है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई पर्स है जो आपके लिए बहुत लकी है और आप उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते लेकिन चूंकि अब वो फट गया है, वो यूज का नहीं है, फिर भी घर में पड़े पड़े नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अब आपको उसे हटा देना चाहिए। हाँ, हटाने से पहले आप ये करिए कि आप उसमें थोड़े से चावल एक दिन के लिए रख दीजिए और फिर उन चावल को निकाल के अपने नए पर्स में रख लीजिए, तो इससे आपका जो लक है वो कहीं नहीं जाएगा। फिर आप उस पर्स को फेंक सकते हैं जो पुराना हो गया है और नया पर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि पर्स तो हर किसी के पास होते हैं और पुराने हो जाने पे टेंशन भी हर किसी को होती है। सो वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।